कैमरा, ट्राइपॉड, माइक, लेंस, लाइट या फिर लैपटॉप की जरूरत नहीं है आपको अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करने के, मगर जरूरत है जिस चीज की उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये है पहला एपिसोड मेरे नए सीरीज का जिसका नाम है ब्लॉग इट, अ बिगिनर्स गाइड टू ब्लॉगिंग, जिसमें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है वो सारी सॉल्व होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दिस इज AKA सृजन एंड चलो यार आग लगाते हैं। कहा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वो काम क्या है। सिमिलरली अगर तुम एक ब्लॉग चैनल या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो तुमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ब्लॉग। तो अगर हम गूगल की हेल्प ले तो गूगल के अकॉर्डिंग अ ब्लॉग और अ वीडियो ब्लॉग इज अ कंटेंट शॉर्ट इन कंटेंट, नहीं शॉर्ट्स ब्लॉग नहीं होते ना, ब्लॉग हमेशा लंबे लंबे से ऐसे जो वीडियोस होती है ना इनको व्लॉग्स बोला जाता है, रील्स मींस ब्लॉग नहीं होते, गलत नहीं लेना ठीक है। एनीवेज तो इसको हम छोड़ते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि तुम कहीं पे घूमने गए, तुम अपने साथ कैमरा लेके गए और तुमने उस पूरे एक्सपीरियंस को कैप्चर किया, उसको शॉर्ट इन किया, वीडियो फॉर्मेट में बनाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेट्स सपोज यूट्यूब पे पुट अप कर दिया। नाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ व्लॉग। एंड लेट्स सपोज अगर तुम अपने घर पे हो और तुम्हें नॉलेज है अबाउट फाइनेंस और तुम अपना फाइनेंस का एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्लॉग। तो व्लॉग इज नथिंग बट तुम्हारा एक्सपीरियंस या फिर तुम्हारी नॉलेज जो तुम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो। ओके ब्रो, तो अब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए और जो बहुत सारे यू नो ब्लॉगर्स स्टार्टिंग में गलती करते हैं, दैट इज नॉट क्रिएटिंग अ पर्सनल ब्रांड। तुमको स्टार्टिंग से ही अपनी चैनल और अपनी पूरी ओवरऑल ब्रांडिंग पे ना ध्यान रखना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए टिप है जो कि लॉन्ग टर्म अपना चैनल लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही बस मजे मजे के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी रख दो। बट अगर तुम एक लॉन्ग टर्म गोल लेना चाहते हो और जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल और एक ग्रोथ चाहते हो तो फिर यार तुमको एक ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ब्रांड है दैट इज AKA सृजन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसी नाम से मैं अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे @AKA_सृजन जाके फॉलो करो, मजा आएगी। तो इसी तरीके से तुम भी अपना ब्रांड रखो। अब अगर मैं तुमको कुछ सजेशंस दूं तो यार पर्सनल ब्रांड एक ऐसी चीज है ना जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। डजंट मैटर तुम ब्लॉग कर रहे हो, व्लॉग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, एक पर्सनल ब्रांड को बिल्डअप करना तुमको आगे जाके एक बहुत ही अच्छा यू नो हेल्प कर सकता है, तुमको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दे सकता है। तो लेट सपोज तुम्हारा नाम है प्रबल, तो तुम अपने चैनल का नाम प्रबल रखो, प्रबल को ग्रो करो, उसको एक पर्सनल ब्रांड लगाओ, इंस्टेड ऑफ यू ब्लॉग्स, टेक्नो ब्लॉग्स, फलाना ब्लॉग्स, ढिमकाना ब्लॉग्स, अपना नाम बनाओ और नाम को ग्रो करो, ठीक है। समझ गया ना, चलो ब्रांड बनाओ। हाँ तो ब्रो थर्ड स्टेप है अपना टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढना, ठीक है। तो कंटेंट बनाने से पहले और अपना पहला वीडियो शूट करने से पहले का ये स्टेप है, दैट इज तुमने ब्रांडिंग कर ली। ब्रांडिंग करने के बाद तुमको ये सोचना है कि तुम जो भी बनाने वाले हो, अब क्या बनाने वाले हो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम ये किसके लिए बनाने वाले हो, तुम्हारे वो टारगेट ऑडियंस कौन है। लाइक तुम वीडियो बना रहे हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि ये वीडियो किसके लिए हो, लाइक कौन इस वीडियो को देखे। प्लीज ये मत बोलना भाई सबको ही देख ले, कोई भी वीडियो को देख ले यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, नहीं ऐसे नहीं ग्रो होते यूट्यूब पे, ग्रो करना है हमको, ठीक है। हमको चाहिए एक टारगेटेड ऑडियंस, दैट मींस 100 लोग ही देखे, लेकिन वो 100 क्वालिटी वाले लोग जो तुम्हारे ऑलमोस्ट हर वीडियो को देखे तब तो अच्छा है, लेकिन 1000 लोग देख रहे हैं, फिर 1000 लोग एक वीडियो देख रहे हैं बाकी के 10 वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वैसा लोग नहीं चाहिए। हमको एक क्वालिटी, एक जेन्युइन ऑडियंस बेस बनाना है। इसके लिए तुम क्या करो, बैठो, कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखो, लिखो कि कौन देखेगा मेरा वीडियो। एक एक क्रिएटिव दिमाग लगाओ और एक एक ऐसा पर्सन बनाओ जो स्पेसिफिकली, अगर तुम वो पर्सन नहीं होते तो तुम तुम्हारे वीडियोस को देखते। बताता हूँ, देखो अब फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना टारगेट ऑडियंस बताऊँ तो मेरे टारगेट ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट जिनका मेजॉरिटी ऑफ जो इंटरेस्ट है वो फिल्म मेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो फिल्म मेकिंग के अंदर भी कैटेगरी आ गई कि जो बेसिकली यू नो यूट्यूब वीडियोज, ट्रैवल व्लॉग्स, ये सब बनाते हैं, जो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो ये सब वीडियो फिल्म मेकिंग के ऊपर आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है तो सिंस ब्लॉग देखेंगे तो रिलेट करेंगे, दैट इज द थिंग। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नैरो डाउन कर दो कि 18 साल का ही होना चाहिए, इस जगह का ही होना चाहिए, यही पसंद होना चाहिए, नहीं, एक बेसिक सा बनाओ, ठीक है। तो ब्रांडिंग कर ली, टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर लो और फिर उसके बाद अपना पहला वीडियो शूट करने से पहले तुमको ये दो स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है।
सबसे पहली है बेसिक वीडियो एडिटिंग। तुमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली एक वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। डजंट मैटर कि तुम एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि तुम अपने फोन में एडिट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें तुम कहां से सीख सकते हो? YouTube में सब कुछ मेरे भाई फ्री में सिखाया जाता है, तो जाओ यूटिलाइज करो और वीडियो एडिटिंग सीखो। और अगर मेरा वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे खासे लिंक्स दे दिए हैं, उनमें से एक वीडियो मेरी वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो के बारे में भी होगा, तो उसको भी देख लेना। एंड जो दूसरी चीज है जो आपको आनी चाहिए, दैट इज टॉकिंग टू अ कैमरा। कैमरा से बात करने की जो स्किल है ये इतनी ज्यादा अमेजिंग और इतनी ज्यादा बेनिफिशियल स्किल है, एंड सबसे अच्छी चीज ये एक लर्नेबल स्किल है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ही तगड़ा वीडियो बना रखा है, उसको चेकआउट कर लेना। तो ये जो दो मेन चीज चाहिए, ये दोनों चीज तुम्हारी एकदम पूरी हो जाएगी, एंड देन यू कैन शूट योर फर्स्ट वीडियो एंड विच मोस्ट प्रोबेबली शुड बी योर इंट्रोडक्शन वीडियो। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और आगे अभी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो यार अगर मेरे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है या मजा आती है, तो यार सब्सक्राइब करो, दिस इज द वे तुम अपना सपोर्ट हमको दिखाओगे। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आउट्रो।